बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। प्रवेश पत्र में परीक्षा के शहर का नाम, सेंटर का पता 21 के बाद पता चलेगा। बीपीएससी ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। दोस्तों, अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे परीक्षा जिले की जानकारी मिल जाएगी। हालांकि अभी एग्जाम सेंटर का खुलासा नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड पर केवल किस ज़िले में एग्जाम सेंटर होगा उसका नाम अंकित किया गया है, साथ ही सेंटर का कोड भी दिया गया है। एग्जाम सेंटर के बारे में बीपीएससी 21 अगस्त को सूचना जारी करेगा। अभ्यर्थी 10 से 20 अगस्त तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक दो पालियों में राज्य के सभी जिलों में अव्यवस्थित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर अभ्यर्थी को एक घंटा पहले प्रवेश करना होगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे शुरू होगी। इसके लिए गेट 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। दूसरी शिफ्ट में 3:30 बजे शुरुआत होगी। इसके लिए 2:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। ओएमआर आंसर शीट सील होने के बाद ही हॉल से निकलेंगे अभ्यर्थी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो 25 KB का अपलोड करेंगे और उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। सभी अभ्यर्थी अपनी पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाएंगे। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करेंगे। परीक्षा के 4 दिन पहले यानी 20 अगस्त तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिला होम सेंटर, नाराजगी। महिला अभ्यर्थियों को होम सेंटर नहीं मिलने से नाराजगी है। कई महिला अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि होम सेंटर नहीं मिला है। पटना जिले के कई महिला अभ्यर्थियों का सेंटर मुजफ्फरपुर के साथ अन्य आसपास जिले में भेज दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी पहले ही कह रहा था कि महिलाओं को होम जिला दिया जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया।